दोस्तों नमस्कार। आज है 24 अप्रैल सन 2024। कर्नल अजय, सीओ अजय एस्ट्रो माइनिंग ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों दलहन यानी पल्सेस के ऊपर लगातार अपडेट और विश्लेषण आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। याद कीजिए, चने के ऊपर जब भाव 5000 से नीचे थे उस वक्त हमने आपको चने में तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ था। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी के कारण विश्लेषण नहीं माना जाता। विश्लेषण वही है जो समय से पहले आपको अवगत कराए। दोस्तों आपने बहुत प्यार हमारे चैनल को दिया है और जो नए दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, यदि हमारा चैनल पसंद आए तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ लाइक भी अवश्य करिए यदि पसंद आए तो। सबसे पहले तो आज 24 अप्रैल को हम दिल्ली के चने के भाव देख लेते हैं। राजस्थान लाइन के चने के भाव दिल्ली लॉरेंस रोड पर 6275 से 6300 रुपये बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश लाइन के भाव चने के 6225 से 6250 रुपये बताए जा रहे हैं। अभी मौजूदा शो बनाते समय लगभग 10 गाड़ी चने की मंडियों में देखी गई है। जानिए आगे की रिपोर्ट। दोस्तों चना दलहन में प्रमुख फसल मानी जाती है और चने को दलहन का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अधिकतर उपयोग पूरे भारतवर्ष में होता है। देश में चने के बाजार लगातार मजबूत हो रहे हैं, जिसका पूर्वानुमान हमने आपको दिया था। दूसरी ओर यदि हम सरकारी खरीद देखें तो इसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सरकारी एजेंसी नेफेड द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक इस साल 2024 में अब 21 अप्रैल तक 21,173 टन की खरीदी हुई है, जबकि पिछले साल यानी 12.54 लाख टन चने की खरीदारी हुई थी। यदि हम आंकड़े पर भी देखें तो MSP यानी देश में समर्थन मूल्य पर चने की खरीदारी को हम देखें तो कुल यदि साल 2022 में देखें तो 21 अप्रैल तक 7,52,527 टन हुई थी। यदि साल 2023 के आंकड़े देखें तो ये 7,52,527 से बढ़कर साल 2023 में 12,53,996 टन हुई थी। और साल 2024 के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस साल 2024 में 21 अप्रैल तक नाफेड द्वारा MSP पे खरीदारी चने की मात्र 81,173 टन हो पाई है। अब जान लेते हैं इसका प्रमुख कारण क्या है। जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम के प्रथम भाग के अंदर चने के भाव बताए तो दिल्ली के अंदर लगभग 6300 रुपये के भाव देखे जा रहे हैं और गुजरात के अंदर भी देखें तो इसके भाव लगभग 6000 के आसपास है चल रहे हैं। और यही वजह है कि किसान सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को नाफेड द्वारा जो नॉमिनेटेड एजेंसी है उसको चना बेचने में उसका कोई रुचि नहीं है। गौरतलब है कि अधिकतर मंडियों में सरकार MSP से लगभग 300 से 400 रुपए का भाव अधिक है और यही वजह है कि किसान MSP के ऊपर चने बेचने के लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि दूसरी ओर बाजार के सूत्रों को देखें तो पुराना स्टॉक नाफेड के पास लगभग 8.50 लाख टन होने का उम्मीद है और सरकार पुराने स्टॉक से चने की बिकवाली कर रही है जो कि ऊंचे दाम पर है, जिससे नाफेड का पुराना स्टॉक बहुत जल्दी कम हो रहा है। और सीजन के शुरुआत में नाफेड में चने का स्टॉक 10 लाख टन होने का अनुमान था, लेकिन अब ये धीरे धीरे घटकर 1.5 लाख टन रहने की उम्मीद है। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगले 2 महीने सरकार द्वारा चने की बम्पर खरीदारी हो सकेगी। यदि अब हम स्टेट वाइज यानी राज्यवार समर्थन मूल्य पर चने की खरीदारी देखें तो महाराष्ट्र में जो अभी कोई समर्थन मूल्य पर खरीदारी के आंकड़े नहीं मिले हैं, जबकि साल 2022 में महाराष्ट्र से 3,30,719 टन सरकारी खरीद हुई थी 21 अप्रैल तक और साल 2023 में ये बढ़कर 5,19,947 टन हुई थी। 2024 में अभी कोई खरीदारी के खबर नहीं है। कर्नाटक दूसरा बड़ा राज्य माना जाता है, जहां पिछले साल यानी तो साल 2022 में 62,036 टन की खरीदारी हुई थी सरकारी, 2023 में 70,346 टन हुई थी और अभी 2024 में कुछ आंकड़े नहीं मिले हैं। आंध्र प्रदेश में 35,352 साल 2022 में, साल 2023 में 54,760,
गुजरात में 3,26,240 रन साल 2022 में सरकारी खरीद थी 21 अप्रैल तक, और साल 2023 में ये घटकर 2,37,736 टन रही है। साल 2024 में 21 अप्रैल तक 35,839 टन चने की खरीदारी के समाचार मिले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर साल 2022 में 3,05,616 टन की खरीदारी हुई थी, 2023 और 24 के अंदर आंकड़े नहीं हैं। गौरतलब है कि राजस्थान के अंदर बात कर लेते हैं तो 2023 में 13,814 टन की सरकारी खरीद हुई थी, जो इस बार बढ़कर 45,278 टन की हो पाई है। तो कुल मिला के यदि हम देखें तो इस साल 81,173 टन की सरकारी खरीद हो पाई है मात्र, जबकि साल 2023 में 12,53,996 टन थी और साल 2022 में 7,52,527 टन थी। तो आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि सरकारी खरीद की क्या स्थिति है, लेकिन अगले दो महीने में संभवतः ये स्थिति धीरे धीरे सुधरे। दूसरी ओर चने के दाम लगातार मजबूत देखे गए हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि निचले स्तर से चने के दामों में शानदार तेजी दर्ज हुई है। अब चने की मौजूदा रिक्वायरमेंट और उत्पादन के बीच में जो विसंगति है उसको दूर करने के लिए क्या सरकार चने के इंपोर्ट के ऊपर रियायत दे सकती है, दूसरी ओर क्या सरकारी कदम उठेंगे जिससे चने के भाव नियंत्रित हो पाएंगे। दोस्तों ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो अभी अनिर्णित हैं, इसका कोई आंसर नहीं है। दोस्तों चने की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। चना, उड़द, मूंग, मसूर, तुअर, इन सभी की विशेष जानकारियाँ उपलब्ध हैं।